Good afternoon, students. Hope you all are good, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 5 of your English grammar book, that is subject and predicate. So let's start. चैप्टर नंबर 5 है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या होता है? कोई भी वर्ड्स का ग्रुप जो हमारा एक कंप्लीट सेंस बनाता है. यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, फातिमा इज़ प्लेइंग दी फुटबॉल. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, फातिमा इज़ प्लेइंग दी फुटबॉल. तो इसमें फातिमा फुटबॉल खेल रही है, तो फातिमा इज़ प्लेइंग द फुटबॉल. ये क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं हमारे. यहाँ मैंने लिखा है फातिमा इज़ प्लेइंग दी फुटबॉल. अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे, फातिमा इज़ प्लेइंग द फुटबॉल. और ये क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. मींस इनका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है कि फातिमा फुटबॉल खेल रही है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हमारा एक कंप्लीट सेंस निकलता है, एक मीनिंग निकलता है, वो होता है हमारा सेंटेंस. ओके, नाउ अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. चैप्टर नंबर 5 है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो किसी भी सेंटेंस को हम टू पार्ट्स कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. रीड दीज सेंटेंसेस, चूज द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट. यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और हमें क्या करना है, उन पर्सन या उन थिंग्स को चूज करना है जिसके बारे में बात हो रही है. फर्स्ट वन इज़ आर्शिया इज़ गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. प्रिया लर्न्स कराटे फ्रॉम अ फेमस कराटे मास्टर. फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, अर्शिया क्या करती है, मार्केट जाती है वेजिटेबल्स को ख़रीदने के लिए. अब किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? अर्शिया के बारे में बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज़ अर्शिया. नाउ प्रिया लर्न्स कराटे फ्रॉम अ फेमस कराटे मास्टर. अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? प्रिया के बारे में हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिया. थर्ड वन, रेड राइडिंग हुड मेट अ वॉल्फ इन द फॉरेस्ट. आपने एक मूवी देखी होगी रेड राइडिंग हुड, तो उसी मूवी की बात हो रही है. उसमें एक कैरेक्टर है हमारा रेड राइडिंग हुड. यहाँ पर ये एक गर्ल का नेम है. वो क्या करती है, फॉरेस्ट में वो एक वॉल्फ से मिली. तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? रेड राइडिंग हुड के बारे में बात हो रही है. तो इन्हीं 5 सेंटेंसेस में हमें ये बताना है कि किस पर्सन के बारे में या फिर कोई चीज़, कोई थिंग है जिसके बारे में भी बात हो रही है, हमें यहाँ पर वो चूज़ करना है. ओके, नाउ द वर्ड्स यू हैव चूजन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दी सेंटेंसेज. जो वर्ड्स हमने चूज़ किए हैं इन 5 सेंटेंसेस में, जो पर्सन हमने चूज़ किए हैं, वही क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं किसी भी सेंटेंस के. मीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग. अगर कोई भी हमारा सेंटेंस है, उसमें जिसके भी बारे में बात हो रही है, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो वही हमारा होता है सब्जेक्ट. सेंटेंस में जिसके बारे में हम कोई भी बात करते हैं, सॉरी जिसकी भी बात करते हैं, वो होता है हमारा सेंटेंस. हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. यू नो दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, एक वर्ड्स का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पर एंड हो जाता है. हेयर क्रिस वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल विद जॉन. क्रिस, सी हमारा कैपिटल है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है एंड फुल स्टॉप पर हो गया है, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, वर्ड्स का ग्रुप है, तो ये हमारा है सेंटेंस. अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क पर, कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क पर. एग्जाम्पल्स, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है. कुड यू वॉक फास्टर, क्वेश्चन मार्क. हाउ कोल्ड इट इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट.
सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. रीड दीज सेंटेंसेस. पिंकू इज प्लेइंग इन द गार्डन. द मंकी स्विंग्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. इन दीज सेंटेंसेस, सॉरी, पिकू पिकू एंड द मंकी आर द पर्सन एंड एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट. दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस टेल अस समथिंग अबाउट देम. दे आर प्रेडिकेट्स. अब यहाँ पर हमारे टू सेंटेंसेस गिवन है. पिकू इज प्लेइंग इन द गार्डन. अब पीकू क्या कर रहा है? गार्डन में खेल रहा है. द मंकी स्विंग्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. यह शो भी किया गया है कि मंकी वन ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर झूल रहा है पेड़ की शाखा पर. तो अब इन सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं पीकू की और मंकी की. आर द पर्सन एंड एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट. दे आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ दी सेंटेंसेस. सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात होती है वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स. और जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है मींस इज प्लेइंग इन द गार्डन, जो हमें सेंटेंस के बारे सॉरी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो होते हैं हमारे प्रेडिकेट्स. नेक्स्ट है द डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग. इट मे बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. प्रेडिकेट रेफर्स टू वॉट इज बींग सेड अबाउट द सब्जेक्ट. इट ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड. तो मैंने बताया है आपको सब्जेक्ट क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में जो कोई नाउन या फिर प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट. और जो बात की जा रही है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, वो होता है हमारा प्रेडिकेट. उसमें साथ में हमारी क्या होती है, एक वर्ब भी. जो हमारी वर्ब गिवन होती है सेंटेंस में, उस वर्ब को हम इंक्लूड करते हैं. आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बारे में आपको पता कैसे लगेगा कि ये सब्जेक्ट है. इन सिंपल, जिसके बारे में भी बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है. सो टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस वी आस्क हु व्हाट बिफोर द वर्ब. इन सेंटेंस वन व्हेन वी आस्क हु इज प्लेइंग द आंसर इज पीकू. इन सेंटेंस टू व्हेन वी आस्क हु स्विंग्स द आंसर इज द मंकी. सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं? हु और व्हाट. फर्स्ट हमारा सेंटेंस था पीकू इज प्लेइंग इन द गार्डन. नाउ वी कैन आस्क हु इज प्लेइंग. पीकू इज प्लेइंग इन द गार्डन. हम इसमें क्या पूछ सकते हैं कि कौन खेल रहा है? एंड द आंसर इज पीकू. Who is playing? The answer is Piku. In sentence two, when we ask who swings, the answer is the monkey. तो हम जब question put up करते हैं who और what से, कौन और क्या, कि कौन खेल रहा है? Piku खेल रहा है. तो जो हमारा answer निकल कर आता है वो होता है हमारा subject. In interrogative and exclamatory sentences, the subject comes in the middle or at the end of the sentence. To identify the subject, ask who, what before the verb. एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं हु और व्हाट से. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं हमारे, कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हमारे कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज, कितना खूबसूरत दिन है. तो हमारी एक फीलिंग है, हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है. तो एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम हु और व्हाट से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. एंड मोस्टली इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ पर आता है? मिडल सेंटेंस के बीच में या फिर उसके एंड में आता है. दीज आर द एग्जांपल्स. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़. हाउ हंग्री आई एम. What did you eat for lunch? Interrogative sentence. What is the national park called? Interrogative sentence. And in imperative sentences, the subject is not mentioned. It is understood to be you. जो हमारे imperative sentences होते हैं, जिसमें हम किसी को advice देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, वो हमारे imperative sentences होते हैं. तो उसमें हमारे पास subject mention नहीं होता है. उसमें हमें कैसे करना पड़ता है? हम उसमें you को subject की तरह लेते हैं. For example, कीप क्वाइट, स्टॉप द कार. ऑर्डर करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता है. और उसमें हम सब्जेक्ट को किस तरह से लेते हैं? यू, यू इज़ द सब्जेक्ट. यू कीप क्वाइट, यू स्टॉप द कार,
क्लियर? तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारा चैप्टर है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग. प्रेडिकेट रेफर्स टू व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सेंटेंस का पता है हमें जो कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है जिससे एक मीनिंग निकलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सॉरी सेंटेंस होता है. और उस सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट, आर्शिया इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. जिसके बारे में बात होती है वो हमारा होता है सब्जेक्ट. एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो बात हो रही है, जो सब्जेक्ट कोई भी वर्क कर रहा है वो होता है हमारा प्रेडिकेट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर ए. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस. यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस गिवन है हमें, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने सर्कल करना है एंड द रिमेनिंग पार्ट मीन्स जो हमारा प्रेडिकेट है उसको हमें अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट वन इज़ शांति प्लेज टेनिस. अब किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, हु प्लेज, कौन खेलती है, शांति खेलती है. तो किसके बारे में बात हो रही है, शांति के बारे में बात हो रही है. सो शांति इज़ द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट. शांति क्या कर रही है, क्या वर्क कर रही है शांति, टेनिस खेलती है. तो ये प्रेडिकेट हो गया है हमारा प्लेज टेनिस. नाउ सेकंड, हैव यू ईटन द चॉकलेट आइसक्रीम कैप्ट इन द फ्रिज. अब यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, यू के बारे में. Have you eaten the chocolate ice cream kept in the fridge? तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, यू के बारे में बात हो रही है कि क्या तुमने चॉकलेट आइसक्रीम जो फ्रिज में रखी हुई थी वो खा चुके हो तुम. तो यू हो गया है हमारा सब्जेक्ट और यू ने वर्क क्या किया है, eaten the chocolate ice cream kept in the fridge. ये हो गया है हमारा प्रेडिकेट. नाउ द थर्ड वन इज़ द रिवर्स फ्लो डाउन अ माउंटेन. द रिवर्स सब्जेक्ट है. फोर्थ, आई हैव टू थ्रो ऑल अवे ऑल दोज बुक्स. आई सब्जेक्ट एंड हैव टू थ्रो अवे ऑल दोज बुक्स प्रेडिकेट. सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो वर्क सब्जेक्ट कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट. सेवन, द सन शोन ब्राइटली थ्रू द क्लाउड्स. द सन, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया है इसको हम सर्कल कर देते हैं. सिमिलरली नाइन्थ, माई कज़न्स फेवरेट गेम इज़ हॉकी. ये देखिए, माई कज़न्स फेवरेट गेम इज़ हॉकी. मेरी कज़िन का फेवरेट गेम हॉकी है. तो मैंने आपसे बताया है कि हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं हु और वॉट. तो आपके कज़िन का फेवरेट गेम कौन सा है, क्या है, हॉकी है. तो हॉकी हो गया है यहाँ पर सब्जेक्ट और माई कज़न्स फेवरेट गेम इज़ प्रेडिकेट. क्लियर? 11th, have you finished your homework? क्या तुम अपना होमवर्क फिनिश कर चुके हो. तो किससे पूछा जा रहा है, यू से, यानी कि क्या तुम कर चुके हो. तो ये हो गया है हमारा सब्जेक्ट और यू को वर्क क्या करना है, अपना होमवर्क फिनिश करना है. तो ये हो गया है हमारा प्रेडिकेट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल सब्जेक्ट्स. यहाँ पर हमें सूटेबल सब्जेक्ट्स फिल करने हैं जो इन प्रेडिकेट्स के लिए सूटेबल हो. यहाँ पे प्रेडिकेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है. सो बिलोंग्स टू माय ग्रैंड मदर, कुछ भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं. दिस बैग बिलोंग्स टू माय ग्रैंड मदर. मिल्क एंड ऑयल आर नाउंस दैट कैन नॉट बी काउंटेड. कोई और से भी अनकाउंटेबल नाउंस यहाँ पर फिल किए जा सकते हैं. मैंने यहाँ पर फिल किए हैं मिल्क एंड ऑयल. थर्ड वन, राम वॉन द 100 meter रेस ईजीली. कुछ भी फिल कर सकते हैं आप, फातिमा, सुहाना, राम, प्रिया, एनीथिंग, एनीवन. द लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन रीड बुक्स. कौन से प्लेस पर हम बुक्स पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी. द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ. सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स फिल करने हैं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रेडिकेट्स. क्वेश्चन नंबर बी में हमने सब्जेक्ट फिल किए थे, क्वेश्चन नंबर सी में हम यहाँ पर प्रेडिकेट्स फिल करते हैं. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यूयॉर्क में है. द गार्डनर इज स्टैंडिंग टू द रोज बुशेस. आवर ट्रिप टू कोडाईकनाल वॉज फैंटेस्टिक. स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स इज अ नाइस स्टोरी. आई स्नेक केम इन द विलेज. एमिली वॉज अ क्वीन. तो जो इन सब्जेक्ट्स के लिए जो भी सूटेबल प्रेडिकेट्स है वो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.